दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका परिहार मेहरा है। तो दोस्तों आज मैं फिर से लाइव आई हूँ अपने फेसबुक पेज पे। तो लाइव आने का मतलब कि मेरा विचार है कुछ आपको इंटरेस्टिंग सुनाने का, और इस कहानी के पीछे एक कहानी सुना रही हूँ मैं, कहानी है या फिर पहले की बातें हैं। तो इसका जो थीम है वो लास्ट में बताऊँगी आपको, कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी है सूर्यदेव और धरती की। एक बार की बात है, सूर्यदेव ने धरती से कहा कि हे धरती, तुम और मैं हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो धरती मान गई। धरती माता ने कहा कि हाँ चलो मैं आपसे शादी करती हूँ, लेकिन शादी करने से पहले पहले जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया है, उन्हें पूछ लेती हैं लेते हैं अगर वो क्या कहते हैं, उनका उनके विचार मन में क्या विचार आता है हमारी शादी को लेकर, फिर हम करेंगे। तो सूर्यदेव राजी हो गए और वो शादी करने की शादी की बात को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए जिन्होंने इस संसार को बनाया है। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि सूर्यदेव ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मैं और सरस्वती शादी कर रहे हैं, कर लें? तो ब्रह्मा देव ने कहा कि हाँ आप लोग कर लो, लेकिन इससे अच्छे जो संसार के पालनहार हैं उन्हें पूछ लो एक बार। फिर उसके बाद धरती और सूर्य देव सीधे पहुँचे लक्ष्मी माता और पार्वती के पास, लक्ष्मी माता और विष्णु जी के पास, सॉरी मैं गलती से भूल गई, विष्णु जी के पास पहुँचे और जो संसार के पालनहार हैं। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी से भी सूर्यदेव ने पूछा कि हम दोनों धरती और मैं शादी कर रही हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो विष्णु जी ने कहा हाँ तुम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार तुम उस धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनसे पूछो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे तुम दोनों की शादी से, लेकिन तुम उससे पूछो जो उस धरती में रहते हैं, उन लोगों से पूछो। सूर्यदेव और धरती भी खुश हो गई, धरती पे आए, सारे प्राणियों से पूछा, जीव जंतुओं से पूछा, पेड़ पौधों से पूछा, सबने हाँ करी, और एक ऐसा मतलब निकला धरती में जिसने मना किया था कि नहीं करनी है, तो वो था उल्लू। उल्लू ने कहा था कि नहीं। तो सूर्यदेव को गुस्सा आ गया, और उल्लू जब सूर्यदेव को गुस्सा आया और सूर्यदेव ने उल्लू को अभिशाप दे दिया या शाप दे दिया जो भी कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तू नहीं देखेगा मुझे। तो कहा जाता है उल्लू तभी से ही काणा है, मतलब दिन का अंधा रात को उल्लू को दिखाई देता है। तो इस चीज़ को धरती ने जब उल्लू से पूछा कि उल्लू सबने हाँ कहा लेकिन तूने मना क्यों किया हमारे हम दोनों की शादी के लिए, तो उल्लू ने बताया कि हे धरती माता, अगर आप और सूर्यदेव शादी करते, आप दो एक साथ रहते, तो इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती में जितने भी प्राणी थे, पेड़ पौधे थे, सब तो ख़त्म हो जाते, जल के राख हो जाते। रही बात आपकी खूबसूरती की, आपकी बनावट की, आप भी सूर्य के देव की तेज को सहन नहीं कर पाती, आप भी कुरूप हो जाती, इसलिए मैंने मना किया था, क्योंकि इस दुनिया में हम इतनी दूर से सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाते हैं। अगर आप दोनों समीप होते तो आप दोनों इस तेज को, बाकी सब लोग इस तेज को कैसे सहन कर पाते, इसीलिए मैंने मना किया था। तो दोस्तों मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है, इस कहानी का जो थीम है लास्ट में जो निकलता है निष्कर्ष, वो है कि भलाई करने के बाद भी बुराई मिलती है। हमेशा देखना जिन जो लोग हमेशा भलाई करते हैं हर किसी की, लेकिन लास्ट में उन्हें मिलती है बुराई, और इस संसार में, इस कलयुग में बुराई की जीत ज़्यादा हो रही है और भलाई की नहीं। तो पूछा उसी को जाता है जिस जो बुराई के रास्ते से आगे बढ़ा हो, जिसके पास पैसा हो, ये चीज़ है। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नए लाइव के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।